उपचुनाव में 42 लोकसभा के मेंबर थे समाजवादी पार्टी के, तब हम रक्षा मंत्री बने। इसलिए हम जा है तो क्या है, इसे क्या बोला, इसलिए हम बता रहे, इसलिए हम हमारे बारे में मुझे है कि दिल्ली के मीडिया ने भी बहुत मेरा सपोर्ट किया और दिल्ली के मीडिया ने एक बार अपने घर पर बुलाया, करीब 60-70 लोग आए और 60-70 लोग हम बोले मीडिया के बारे में, तो सारी मीडिया ने कह दिया कभी हम चुनाव में तुम्हारी मदद करेंगे, वो मदद की और पार्टी चुनाव जीती। तो मीडिया को भी ठीक से रखना है और मीडिया को संबंध अच्छे रखना। अब कहते मीडिया आ गई, मीडिया सामने बोलेंगे नहीं, अगर हम बोलेंगे तो छापेगा कौन, तो तुम्हारा तो जमान बंद है। अब हमें सुनेंगे मीडिया के लोग यहाँ आए तो हमारी बात जो उचित होगी उसको लिखेंगे, तो हम गलत बोल रहे तो लिखेंगे, गलत बोल रहे तो हम पूछेंगे क्या करें, और सच्चाई बोलेंगे तो ठीक है। तो मीडिया की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, मीडिया की उपेक्षा हमारी पार्टी के लोग बहुत करते हैं। अगर यहाँ आ जाए मीडिया तो कहते मीडिया आ गया, मीडिया आ गया तो अच्छा हमारा प्रचार होगा, तुम कहाँ कहाँ कहने जाओगे। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव के दिन बहुत नहीं है, अब कैसी तैयारी है, और अभी तक हमें कुछ लोगों ने तो नाम दिए हैं, ठीक है, रामपाल को भी नाम दे रहे हैं, शिवपाल को भी दे रहे हैं और अखिलेश को भी दे रहे हैं। अब शिवपाल ने तलक पार्टी बना ली तो हमें दीजिए, रामपाल को दे दीजिए, कमेश को चाहते तो हम दोनों मिलकर तय कर लेंगे कौन जीतेगा। तो आप लोग दे ही नहीं रहे कि हम लड़ना चाहते चुनाव, इतने लोगों ने हमें दिया बताओ कब चुनाव लड़ेंगे, बताइए कितने लोगों ने हमें दिया, जब एक ने भी नहीं दिया है तो टिकट भी ऐसे मिल जाएगा, भले ही टिकट दें अखिलेश, लेकिन अखिलेश ने कहा कि चिन्ह हमारे हाथ में, तो मैंने कहा हटाना हमारे हाथ में, पढ़ा नहीं आपने कि चिन्ह तो हमारे हाथ में है, तो हमें हटाना मेरे हाथ में, तो फिर वो चले गए उनके सामने, हम तो वहाँ आगे आ जाता। तो इसलिए आज हम आपसे यही अपील करने आए हैं कि सब छोड़ो, जो कुछ भी हो शादी विवाह में जाओ तो 50 करोड़ पार्टी का अच्छा मौका होता है, वहाँ सब तरह के सब पार्टियों के समर्थक आते हैं शादियों, तो शादियों में जाकर कीजिए। हम शादियों में जाते तो करते थे प्रचार, तो बोले साधु में आएगा प्रचार करने आया, अब क्या वो साधु समझते हैं क्या, अपनी पार्टी का काम नहीं बताएंगे, बताइए कोई सन्यासी है तो चुप रह जाते थे। तो इसलिए पार्टी काम और पार्टी कैसे जीते, अगर आप भी जानना चाहते हैं आप हमसे कैसे जीते, तो कुछ हमें लिख के दे दो जल्दी, तो हमारी वहाँ पर पार्टी की तो मजबूत है, लेकिन उम्मीदवारों को कमजोर दिया जा रहा है, वो हमारी राय में ये मजबूत है। हम समीक्षा कर लेंगे कि आपने चुपचाप जो दिए गोपनीय लिख दीजिए,
तो फिर हम आपकी बात मानेंगे। हमें तो मजबूत चाहिए, जीतने वाला चाहिए। अब आप कुछ लिख देते थे कि जीत सकता इसके पास पैसा नहीं, ना तो ये जीत सकता। तो हम तो जब मदद करते थे जीतने वाले, कहीं चले पैसा पैसा देते और दिया है बहुत। आपको भी पता होगा हम भी कहीं से मांगते थे और पैसा देते थे। अब आज देखिए महिलाएं की तादाद घर से चली गई। पहले महिलाएं 40-41 आती थी, अब क्या बैठी हैं बताइए? अब तो 8 हैं। चलिए 8 भी काफ़ी है अगर काम करें तो। अरे बोलो मत, सुन लो, अगर आप 8 ही है, 8 को और जोड़ लेगी और दो दो को जोड़ लेगी तो भी पार्टी मजबूत हो जाएगी। महिलाएं वोट डालने के लिए सबसे पहले पहुंच जाती हैं। शाम को खाना होने का, शाम को खाना बनाओ और सवेरे खा दो, खिला दो, जाओ वोट डालने जाओ। तो पालन किया था और पालन किया, पार्टी जीत गई। तो पार्टी को कैसे जिताया जाए ये किसी को देना है, बताना है, राय देना है तो गोपनीय पत्र लेकर के हमें बता दी। अब एक ही है कि पार्टी को जीतना है और पार्टी वर्कर की कमी नहीं। आपकी पार्टी में मध्य प्रदेश में बहुत वर्कर हैं, वहाँ कोई जाता ही नहीं। हम जाते थे और रुकते थे कई दिन। अब ये अखिलेश गए और 4-5 भाषण दिया वहाँ गए तो मैंने कभी जाते वहाँ पर क्या हुआ था चित्रकूट में जाते तो सब लोग मिल लेते चित्रकूट में। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग अब एक ही निशाना है, समझ गए? बंदूक के आधार पर निशाना मारने के लिए एक ही किया जाता है। तो वो निशाना हमें पार्टी को जिताना है, ये हमारी अपील है। और आप में से कोई बोलना चाहता हूँ तो अपने नाम तो भेजो, नाम तो दिए नहीं। मैं अब चाहूँगा कि आप बोलिए। पंकज शाही गोरखपुर। ये ओमी तोमर बहुत विद्वान हैं, क्या बोलने के लिए कहें? श्री ओमी तोमर बहुत इन्होंने राय दी। यहाँ आ श्री ओमी तोमर। इसलिए आपसे अपील है कि एक ही निशाना लाए, एक निशाना, चुनाव कैसे जीते, कौन क्या कर रहा है इसकी परवाह मत करो। और कुछ हमें बताने लायक हो तो चुपचाप गोपनीय पत्र भेज दो या खुल दो तो हम सुधार कर लेंगे। लेकिन अब चुनाव के दिन बचे ही नहीं। बहुत आदरणीय नेताजी, बहुत सम्मानित हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल साहब, यूँ तो नेताजी ने सबको आह्वान कर दिया है पार्टी।